बाहर जा रहे हैं तो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे और मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। सो आज के ब्लॉग का आगाज़ बड़े अलग तरीके से हुआ है और मैंने सोचा चलो आज बाहर जा रहे हैं तो ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। सो गाइज, मैंने ना थोड़ी बहुत जो शॉपिंग थी, काफ़ी मिनी शॉपिंग थी, मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं बट अपने किचन के डेली यूज़ के लिए मैंने दो तीन टूल्स लिए हैं जो कि मैं आपको इंशाल्लाह इसी व्लॉग में दिखाऊंगी। और अभी हम लोग आ गए थे जी ऊपर रेस्टोरेंट कैफ़े है जहाँ पे थी भूख, तो हमने ऑर्डर किया था एक चिकन बर्गर, एक वेज और एक प्लेट छोले भटूरे। बच्चों ने ली थी अपने लिए आइसक्रीम, काफ़ी टेस्टी था और बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं था, बच्चों ने भी आराम से खा लिया। आइसक्रीम अच्छी है, बैठ जो सही से बैठ। अच्छा जी, मौसम ना बड़ा हसीन हो गया था, इतना प्यारा जो है ना व्यू है आपको मैं दिखा रही हूँ और इतना खूबसूरत लग रहा था ना यहाँ पर से। और कहते हैं ना कि जो है ना जब अंदर रहो ना, बाहर का जो मौसम है ना वो बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। और बारिश ना, तो फाइनली सेकेंड टाइम लखनऊ में बारिश हो ही गई है आज। और हम ना अंदर थे तो हमें इतना मतलब पता नहीं चला इस चीज़ का कि बहुत ज़्यादा बाहर ना बड़ी शिद्दत की बारिश हुई है और इतनी बिजली कड़क रही थी ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। हालांकि हम लोग अंदर थे तो अंदर से हम लोग को जो मौसम का आगाज़ बिल्कुल पता नहीं चला। और मेरे पास ना लाइबा की कॉल आई कि अब भी बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है और यहाँ तो बड़ी बिजली कड़क रही है। तो मैंने कहा यार हम लोग को तो यहाँ शुमार ही नहीं है, हमने तो बड़ा प्यारा मौसम लग रहा है। सो बस यहाँ पर जी बच्चे ना आराम से फुल मस्ती कर रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था, जो व्यू है इतना प्यारा लग रहा था। और बार बार मैं जो है ना जो आ रही थी उधर ही बार। सो बस यहाँ पे अमायरा की मस्ती चालू है। जी बच्चे ना बड़े आराम से लेटे हैं, खेल रहे हैं और मैंने सोचा चलो थोड़ा सा खाना शाना खाया है, एक वॉक भी हो जाए और मैंने सोचा चलो इसी बहाने व्लॉगिंग भी मेरी जो है ना बनती रहेगी। सो बस यहाँ पे जी अच्छा बच्चों को ना फुल मस्ती भी हो रही है और आराम से लेटे हुए हैं। और जी देखिए पेड़ ना पूरा मुरझाया हुआ है, लेकिन जो बारिश हुई है और उसके वजह से ना ये थोड़ा सा खिल गया है क्योंकि उसको पानी मिल गया है।
ये वाला बड़ा घना सा पेड़ है और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं सब दिखा रही हूँ। अच्छा जी, मैंने सोचा चलो इस मामले में थोड़ा सा हमने ना बड़ा लकी हो गया, नहीं तो हमारा जो पूरा बच्चों का मूड था ना कि हमने पार्क ही जाना है, लेकिन मैंने सोचा चलो मौसम ऐसा बना है ना कि लगता है बारिश होगी। और कहते हैं ना फाइनली जो है ना सेकेंड टाइम लखनऊ में बारिश हो गई। अच्छा जी, आ गए थे घर। मैंने कोई व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं करी थी और बच्चों को मैंने फ्रेशन अप करवा दिया, नहला दिया उनको भी। अच्छा जी, जैसे ही हम लोग ना बाहर निकले थे, और मैं बता दूं कि मुझे ना लग रहा था कि बहुत अच्छा मौसम हो गया, बड़ी जो है ना अच्छी हवा चल रही है, और यहाँ से निकल के हमारा जो है ना पार्क जाने का मूड था। लेकिन फिर हालाँकि हमने देखा कि काफ़ी उमस हो रही है, तो हमारा जो है ना जो प्लान था वो चेंज हो गया और उसके बाद जी घर आ गए। मैंने ना बनाया था दोपहर को ही, मैंने मटन कोरमा बनाया था, तो बस जी उसको मैंने गरम किया और शर्माने ना हम लोग लेके आ गए थे, सो गरम गरम थी, तो बस मैंने नबिया के पापा को जी खाना दे दिया। उसके बाद जी नबिया के पापा ने ना दो पिज़्ज़े ऑर्डर किए थे और उन्होंने ना एक्स्ट्रा जो है ना चीज़ डलवाई थी, तो उसके वजह से जो पिज़्ज़े की हालत आप देख सकते हो, जो हमारा पिज़्ज़ा था ना वो काफ़ी चीज़ी हो गया था, क्योंकि ऑलरेडी मतलब उसकी हालत काफ़ी जो है ना बिगड़ गई थी। अच्छा जी, दोनों बच्चे ना मेरे सो रहे थे, आयत और अमायरा काफ़ी थक गई थी और जी उन लोग सो रही थी, तो काफ़ी रात का व्लॉग है, 12:30 बज रहे थे। सो बस यहाँ पे जी जो पिज़्ज़े मंगाए थे तो बस यहाँ पे जी वही खा रहे थे, और मैंने ना शेरमाल से जो है ना थोड़ा सा सालन लगा के खा लिया था। उसके बाद जी हमने खाना शाना खाया, फिर मैं ऊपर रूम में आ गई थी, मैंने सोचा चलो आप लोग को कुछ जो मैंने आज छोटी मोटी सी जो चीज़ें बाय करी वो मैं आप लोग को दिखा दूँ। जो है ना 1 बज रहे रात के, और मैंने कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने जो है ना ऑफलाइन ली हैं, तो मैंने सोचा आप लोग को ज़रूर इसको दिखा दूं। तो बस यहाँ पे मैं सबसे पहले जो वाला मेरा बॉक्स है मैं इसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि ये मैंने लिया है ब्लेंडर, और मैं इसको दिखा देती हूँ। और मैंने इसको पहन लिया, तो गाइस मैंने अपने किचन के लिए ना एक काफ़ी यूज़बल जो कि प्रोडक्ट था वो मैंने लिया है, जैसे कि ये एक हैंड ब्लेंडर है और काफ़ी अच्छा है, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, ये प्लास्टिक पे ऊपर का जो दिया हुआ है, सो इसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी बेस्ट है और काफ़ी ईजिली आप इसको यूज़ कर सकते हो ना, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इससे ना थोड़े बहुत जो मेरे काम है जो किचन के, तो वो जल्दी हो जाएंगे, कुछ हेल्प हो जाएगी, तो मैंने सोचा चलो मैं इसको ले लूँ। अच्छा, मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि ये पावर फ्री है, आप ये इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं है, आप इसको जो है ना ईज़िली आप कभी भी किसी वक्त भी आपको जब ज़रूरत हो आप इसको अपने जो है ना मन मुताबिक आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी इसके फ़ायदे, तो मैंने सोचा इसको मैं ले लूँ, काफ़ी मेरे किचन की हेल्प के लिए काफ़ी मुझे ज़रूरी था। अच्छा, मैं वही चीज़ें लेती हूँ जो कि मुझे लगता है कि मतलब ये मेरे काम की ज़रूरी है, किचन में होना चाहिए, और एक हैंड ब्लेंडर ज़रूर होना चाहिए। अगर आपका बेबी छोटा है सो इम्पॉर्टेंट है कि ये होना ज़रूर चाहिए। अच्छा, मुझे ये ना काफ़ी अच्छा लगा, क्वालिटी भी अच्छी थी, और मेन इम्पॉर्टेंट ये था कि पावर फ्री था, कोई ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो फिर मतलब कि पावर सप्लाई तभी आप इसको यूज़ कर सकते हो, और काफ़ी इजी है इसको यूज़ करना, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके जो हमारे जो डेली रूटीन के काम है उनमें काफ़ी हेल्प हो जाएगी, जैसे कि इसकी मैं बात करूँ MRP की, इसकी MRP ना 275 की, बट ये मुझे 249 रुपीज़ का पड़ा। अच्छा, नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये एवरेस्ट के जो है ना, ये मैंने नाइफ सेट लिया था और ये 3 पीस का सेट है, अगर आप इसको ऑनलाइन चाहो वहाँ से भी आप इसको ले सकते हो, इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके इसको ले सकते हो। मीशो है, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट, ठीक है, कोई भी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, और इसकी भी MRP ना 275 ऐसे ही कुछ आसपास है, बट ये भी मुझे 249 का पड़ गया, और ये 3 पीस का। अच्छा, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और ये किचन में ना ये सब चीज़ें होनी चाहिए, मैं जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं मैं वही लेती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा मैं मतलब ऐसी चीज़ें नहीं लेती जो कि फजूल खर्च हो, फालतू की हो, सो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा, बड़ा वाला जो नाइफ़ है ना, ये जैसे कि मीट वगैरह चॉप करने के लिए हो गया, और जो छोटे वाले जो नाइफ़ हैं आपकी वेजेस वगैरह रेगुलर रूटीन के लिए काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी मतलब कि
अच्छा है और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है, आप चाहो तो आप इसको ले सकते हो। सो ये मुझे काफ़ी बेस्ट लगा। तो गाइस मैं वहीं इन्वेस्ट करती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, और फालतू में कई फजूल इन्वेस्ट नहीं करती हूँ। सो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा ये दो चीज़ें मैं बाय कर लूँ, और काफ़ी बेस्ट थी, अच्छी थी, और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और ये एवरेस्ट कंपनी की है। ठीक है, आप इसको ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह आपको ये मिल जाएंगे, आप इनको ले सकते हो। इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप वहां से बाय कर सकते हो। अच्छा, ये छोटी वाली नाइफ ना मुझे बहुत ही अच्छी लगी, काफ़ी शार्प है, बहुत ज़्यादा धार है, तो थोड़ा बच्चों के घर में ना इसको थोड़ा सा सेफली रखना पड़ेगा। और जैसे कि मेरा किचन है ना थोड़ा सा ओपन है, और मुझे काफ़ी कुछ ऐसे जो शार्प वाली चीज़ें होती है ना वो मुझे थोड़ा हटा के रखनी पड़ती हैं। सो गाइस ये दो चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोग को दिखाई, और अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। सो बस ये कुछ चीज़ें थी जो कि मतलब कि हेल्प हो जाती है। अगर अच्छा, मैं कुछ सोचती हूँ कि जो मेरे किचन के काम हैं उनसे मैं थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ें आजकल जो कि इलेक्ट्रॉनिक से स्मार्ट चीज़ें आ गई हैं, सो होनी चाहिए कि आपके जो किचन के डेली रूटीन के काम हैं काफ़ी झटपट हो जाए। और छोटे बच्चे घर में तो जाहिर सी बात है हर हाउस वाइफ चाहती है कि थोड़ा अपने काम से जल्दी फारिग हो जाए। जी दो ये किचन प्रोडक्ट थे जो कि मुझे इसकी ज़रूरत थी और मैंने ले लिया। सो हैंड ब्लेंडर की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि अमायरा ना भी छोटी है और मुझे उसको कुछ भी मैश करके देना होता है, तो मैं स्पून की हेल्प से करती हूँ। और अब ये आ गया, अभी इसको मैंने यूज़ नहीं किया है। और गाइज मैं काफ़ी टाइम से जो है ना हैंड ब्लेंडर लेना चाहती थी, सो काफ़ी वेबसाइट्स थी जहाँ पे मैंने जो है ना देखा, और इसका रिव्यू भी था, देखा सब कुछ देखा, बट मुझे नहीं समझ में आया। मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप ऑफलाइन लो वो ज़्यादा बेटर है, आप देख के अपने हिसाब से ले सकते हो क्वालिटी क्या है। कभी कुछ ऐसा होता है ना ऑनलाइन आपने चीज़ें मंगा ली हैं वो आपके मन मुताबिक नहीं रहती है, तो फिर आप उसको जो है ना रिटर्न करो, 7 डेज़ का लॉन्ग टाइम प्रोसेस चलता है। सो बस ये सब मैंने सोचा कि आज मुझे मौके से मिल गए, तो मैंने सोचा चलो इसको ले लो। अच्छा, मैं जब भी जो है ना कुछ ऐसी जगहों पे जाती हूँ तो मैं ज़्यादातर ग्रोसरी में या फिर मैं कुछ ऐसे जो है ना चीज़ें देखती हूँ जो कि मेरी डेली रूटीन के लिए हेल्प हो जाए, और मेरे जो काम है वो उनसे मैं जल्दी फारिग हो जाऊँ। सो बस ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बस मैंने जो है ना दो चीज़ें ली। अच्छा, एक मैंने जो है ना चाय की छन्नी ली थी, तो बस वो जो है ना बच्चों ने ओपन कर दी थी, तो मैंने सोचा कि मैं उसको क्या दिखाऊँ। अच्छा जी, ये था। एंड आई होप आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।